जाने माने अभिनेता अनुपम खेर पिछले 3 सालों में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए हैं। कथित असहिष्णुता और अवार्ड वापसी अभियान के दौरान और बाद में भी कई मौकों पर वो बीजेपी के समर्थन में बोलते रहे, लेकिन यही अनुपम खेर रुपाले पर्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये फिल्म मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब पर आधारित होगी। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बाजार में आई थी। इसमें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल की तीखी समीक्षा की गई है। अनुपम इस फिल्म में मनमोहन सिंह की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इस रोल में अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। फिल्म में सोनिया गांधी का भी किरदार होगा, लेकिन अभी तय नहीं है कि इसे कौन निभाएगा। फिल्म के दिसंबर 2018 में रिलीज होने की संभावना है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा का कहना है कि यह फिल्म एक बड़े राजनीतिक ड्रामा जैसी होगी और यह एकेडमी अवार्ड जीतने वाली रिचर्ड एटिनबरो की 1980 के दशक में आई गांधी फिल्म से भी भव्य होगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हंसल मेहता ने लिखा है। इस फिल्म के साथ विजय रत्नाकर गुट्टे पहली बार निर्देशन में उतर रहे हैं। निर्माता सुनील बोहरा का कहना है कि उन्हें इस फिल्म के लिए एक निपुण कलाकार की जरूरत थी और वो सोचते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाने के लिए जरूरी परिपक्वता और काबिलियत सिर्फ अनुपम खेर में ही हो सकती थी। अनुपम खेर के लिए भी ये रोल चुनौती भरा है। वो मजे हुए कलाकार हैं, हालांकि उनकी बीजेपी से करीबी के चलते संभावित विवादों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।